खुदा मुनाफिकीन पर लानत करे। बेशुमार खुदा मुनाफिकीन पर लानत करे। बेशुमार देखो मुनाफिकीन कैसे जा रहे हैं। देखो मुनाफिकीन कैसे जा रहे हैं। मुनाफिकीन पे लानत, खवारिज पे लानत, मुनाफिकीन पे लानत, खुदा मुनाफिकीन पे लानत करे, खवारिज पे लानत, खुदा मुनाफिकीन पर लानत करे। बेशुमार खुदा मुनाफिकीन पर लानत करे। बेशुमार देखो मुनाफिकीन कैसे जा रहे हैं। मुनाफिकीन पर लानत करे। बेशुमार इमाम अली अलैहिस्सलाम की वसीयत का आखिरी जुमला ये था, सलामुल्लाह अलैहिम, दुनिया से दिल न लगाओ और जो चीज हाथ ना आए उसका रंज ना करो, हमेशा हक का साथ दो, हमेशा यतीमों का ख्याल रखो और गरीबों और फकीरों का साथ देने से न झिझको। और कहा कि रसूल खुदा के उस कलाम को न भूलो कि आ हजरत फरमाते थे कि मैं तुम्हारे लिए एक मीरास अपनी जगह छोड़े जा रहा हूँ, जब तक उससे तमस्सुक रखोगे गुमराह नहीं होंगे। एक कुरान और दूसरी मेरी इत्रत। इनको खामोश रुक जाओ। नहीं सुनो। ये खारिज हैं। इब्न मुल्जिम को तलवार देने वाले यही हैं। इमाम को मारने वाले यही हैं। ये मुनाफिकीन हैं। इनको बाहर निकाल दो। खवारिज पे लाने। ये लानती हैं। बाहर निकाल दो। मुनाफिकीन पे लाने। मुनाफिकीन हैं। इनको बाहर निकाल दो। मुनाफिकीन पर इनको लानत हो अंदर नहीं आने दो। निकाल दो। मैं कहता हूं बैठ जाओ। ये खारिज हैं। निकाल दो। बैठ जाओ। मैं कहता हूं बैठ जाओ। ये लोग अली इब्न अबी तालिब की ताजियत के लिए आए हैं तो खुश आमदीद। अली के कातिलों को खुश आमदीद कहते हो? मैं अली के अजादारों को खुश आमदीद कहता हूं। बैठ जाओ। उन्हें रास्ता दो, आए। इब्न अब्बास, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा बस, न मैं, न अशस इब्न कैस और न इब्न उमर, हम तीनों में से कोई भी अली के कत्ल में मुलव्वस नहीं था। बैठ जाओ शिमर जिल जोशन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिफीन में तुम में से बहुत से लोग मुआविया की मक्कारी और चालाकी के गवाह थे। किस तरह मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया और जो जिल्लत में दो चार थे उन्हें बचा लेने का धोखा दिया। खुदा उन पर लानत करे। उसने दीने खुदा को अहमियत नहीं दी, बल्कि दूसरे मुसलमानों के साथ इत्तेहाद और यकजहती के बजाय इस्लाम और मुसलमानों की पीठ पर खंजर भोंका। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हकमियत वाले दिन उन लोगों ने उस मुकद्दस नुमा जाहिल अबू मूसा अशअरी को किस तरह बेवकूफ बनाया, मगर अमीर अल-मोमिनीन अली ने खामोशी इख्तियार की और कोई एतराज नहीं किया। रोते शक्ल बनाओ। अमीर अल-मोमिनीन के फर्जंद हसन इब्न अली ने फरमाया कि जिस रात मेरे बाबा की शहादत हुई उसी रात मूसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हुई और उसी रात ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान पर तशरीफ ले गए। ये रात नुज़ूल कुरान की रात थी जिस रात अमीर अल-मोमिनीन की शहादत हुई उसी रात मूसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हुई। अगर वो हसन को खलीफा बनाने का ऐलान करें तो क्या करें? इस शर्त पे हसन इब्न अली की बैत करेंगे कि वो माविया से जंग करें। क्या हम पिसर अली के साथ मिलके माविया से जंग करेंगे? ऐ लोग जान लो कि अमीर अल-मोमिनीन ने पाकीजा और ताहिर जिंदगी गुजारी और इसी पाकीजा और ताहिर हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। जब रहमत खुदा से पैवस्त हुए तो तरके में सिर्फ 700 दिरहम छोड़े जो कि बैतुल माल से उनका हक बनता था। काश ये बरसती आंखें
हमारी तौबा का सबब बन जाए। ए कूफे वालों, खुदा की कसम, आज जेरे आसमान रूए जमीन हसन और हुसैन के अलावा कोई इमाम नहीं मिलेगा जो सरदारान जन्नत और जीनत दूसरे रसूल खुदा भी है। अली ने अबा मोहम्मद से फरमाया कि बेटा हसन, मेरे बाद तुम मेरे खून के वारिस और मेरे जानशीन हो। ऐ लोगो, हसन इब्ने अली अबा मोहम्मद ये क्या कह रहा है? हसन इब्ने अली की बैत लेना चाहता है। जानशीन अबा मोहम्मद रसूल खुदा के बेटे और इमाम अली अलैहिस्सलाम के जानशीन और हमारे इमाम हैं, लिहाजा उनकी बैत कर लो ताकि खुदावंद मुताल राह इंसाफ के पैरोकारों को उनके वजूद के नूर के जरिए से निजात दे और मंजिल मकसूद तक रहनुमाई करे। क्या करें शेर, अगर वो माविया से जंग करें तो हम उसके साथ हैं। पानी पी के रोजा तोड़ रहे हो क्या? हम सफर में नहीं है? तुम्हारा बस यही काम। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इतनी आसानी से यहाँ तक जान बचाकर पहुंच जाएं। अहमद का दिमाग भी खूब काम करता है, लगता है कि मुद्दतों अमरयास के साथ काम किया है। इस बात उस फासिक से ना दो, मेरा खून खोल जाता है। अच्छा, अच्छा। रशीद ने क्या नाम बताया था उस शख्स का, उस मारने वाले का? बरक। हाँ, बरक ने बताया था कि ख्वारिज ने हमारे आस को मार डाला। मैं नहीं समझता, वो बहुत मक्कार है। दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया होगा, न जाने कितनी बार अपनी जान बचा चुका है। बहादुरी से नहीं बल्कि मकर फरेब से। पता है सिफिन में जुल्फिकार अली की जद में आ गया था? जानते हो जान के डर से क्या किया था? नंगा हो गया था, अली ने शर्मगाह की वजह से उसको छोड़ दिया। यहाँ तुमको शर्मगाह की वजह से माफ किया। उठो अब चलते हैं। नहीं ठहरो, सवार आ रहा है। किधर से? इस तरफ से। मेरे ख्याल में कासिद है जो कूफे से आ रहा है।
मेरे साथ आओ। कहाँ? कहाँ चला गया उसे अभी ढूंढ निकालो। रुक जाओ। कहाँ से आ रहे हो? कूफे से। कूफे से? मगर जा कहाँ रहे हो? अमीरुल मोमिनीन माविया के पास। अमीरुल मोमिनीन? फिर तो कोई खास खबर लेके जा रहे हो। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? डरो नहीं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। जानते हो जिस तेजी से तुम सफर कर रहे हो आधे दिन में दमिश्क पहुंच जाओगे। हम तुम्हारी मुश्किलात को कम करना चाहते हैं। रास्ता छोड़ो वरना जान लो कि तुम्हारा वास्ता अमीरुल मोमिनीन के सिपाहियों से पड़ा है। हमने तो कोई बुरी बात नहीं कही। तुम वो पैगाम हमको दे दो और कूफे पलट जाओ, हम उसे अमीर तक पहुंचा देंगे। मुझसे क्या चाहते हो? हमें उस पैगाम के बारे में मालूम करना है। नहीं बता सकता, दूर हट जाओ। अभी बताओगे? मुझे छोड़ो, मुझसे क्या चाहते हो? अच्छा ठहरो ठहरो, बताता हूँ। तूने वो पैगाम कहाँ छुपा रखा है? उधर देखो सवार आ रहे हैं। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। आई, 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 आई। देखो इनको पकड़ो, ये अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन हैं जो भाग रहे हैं। अमरियाज के फौजी लगते हैं। सच कह रहे हो, मिस्रियों का लिबास पहने हैं। हिंदा के बेटे की क्या आरजू है? पूरी जमीन पर हुकूमत कायम करना चाहता है। लगता है इस बार वो अली के कत्ल को बहाना बना के लोगों का खून बहाना चाहता है। मैं समझता हूँ जितना जल्दी मुमकिन हो वो सब लोगों को उसकी तरफ खींचना चाहता है। कोई बड़ा फितना उठने वाला है, इसकी खबर इब्ने अब्बास को देना बहुत जरूरी है। जल्दी चलो, वक्त कम है। रुको,
क्यों रुक गए हो? क्या सोच रहे हो? लगता है हमारे आस के नाम से कोई नया बहाना दिमाग में आ गया है। मजाक मत करो। बेहतर है कि हम में से सिर्फ दो आदमी कूफे जाएं और एक आदमी यहीं रुक के ताज़ा खबरें मालूम करे और इस रास्ते पे आने जाने वालों पे नज़र भी रखे। वैसे तो हम लोग एक दूसरे से रابطہ रखेंगे, इस बारे में तुम लोग क्या कहते हो? मैं समझता हूँ खबर ले जाने के लिए दो आदमी काफ़ी हैं। नहीं, एक आदमी काफ़ी है। तुम लोग यहीं रहो, मैं कूफे जाके खबर पहुँचाता हूँ। तुम क्यों जाओगे? अहमद, तुम चुप रहो। मैं अपने वालिद के साथ आज से 4 साल पहले सरजमीन ईरान से मौला अली से मुलाकात के लिए निकला, लेकिन उन तक न पहुंच सका। हमारा इससे क्या रब्त है? अहमद, तुम चुप रहो। रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। डाकुओं ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया और मुझे असीर कर लिया। हमने तो तुम्हें कैद नहीं किया। तुम चुप रहो। मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया। मैं फरार कर गया। मैं दोबारा असीर हुआ और अब मैं उस वक्त पहुंचा हूं कि जब अली मुर्तजा दुनिया में नहीं है। मैं उनकी ज़ियारत से महरूम हो गया, लेकिन अभी तक उनकी ज़ियारत का शौक मेरे दिल में वैसे ही जोश मार रहा है। हम भी तुम्हारी तरह ज़ियारत के मुश्ताक। अब तुम मुझे इजाज़त दो ताकि मैं जल्दी से कूफे पहुँच सकूँ। अगरचे मैं मौला अली की ज़ियारत से महरूम हो गया हूँ, लेकिन कम से कम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकूँ। मैं इस बात की इजाज़त नहीं देता। अहमद, तुम चुप रहो। क्यों तुम जाओगे? क्या हम और साले उनके चाहने वालों में से नहीं हैं? हम भी उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं। तो तुम भी चलो। कब? हम तो अभी जाएंगे। अहमद, मैं खुद जा रहा हूँ। तुम घोड़े से उतरो। जाओ जल्दी कूफे जाओ। अच्छा, मैं जाऊं? हाँ जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। फिर से धोखा खा गए ना? तुम बिल्कुल अमरियाज जैसे लग रहे हो। हे, चलो। हर दोबारा मेरे जाल में फंसोगे तो बताऊंगा। नहीं फंसूंगा। बताओ, तुम किसका पैगाम माफी तक ले जा रहे हो? तो खुदा की कसम, मुझे मजबूर ना करें, मैं नहीं बता सकता। कहता है नहीं बता सकता। ठीक है, जाओ दफा हो जाओ।
जरा ठहरो, अगर मैं चाहता तो सारी बात तुम्हारी जबान से उगलवा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए कि माविया मुझे हर बात खुद ही बता देगा। तुम्हारे पैगाम की क्या हैसियत, वो तो मुझे यहां तक बता देगा कि बैतुल खला कितनी दफा गया। जाओ जाकर माविया से कह दो कि अमरयास आ चुका है। बिल्कुल सही और सालिम, न उसे खवारिज मार सकते हैं और ना ही उसे अली की ज़ुल्फ़िकार। जाकर कह देना कि अमरयास ने कहा है कि जब तक तुम सबकी नमाज मैयत न पढ़ा ले उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा। जाओ दफा हो जाओ। चलो चलें। नहीं भाई, मेरा ऊँट तो उससे भी ज्यादा तंदुरुस्त था, नहीं देखा शायद तुम लोगों ने। भाई इब्ने अब्बास कहाँ होंगे? वहाँ, घोड़े को यहीं छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। सलाम। सलाम अलैकुम खलील। इन्हें बताओ। भाई इनमें से इब्ने अब्बास कौन है? कोई नहीं, मेरे साथ आओ। कैस तुम बांटते ना, अच्छी बात है, करीब हो जाओ। अब मैं सबके नाम पुकारूंगा। इस्माइल इब्ने हदी, ये लो तुम्हारा खत, जाओ। काजिम इब्ने अब्दुल्ला, ये लो जाओ। राशिद इब्ने ओस, ये तुम्हारा नामा और इब्ने अब्बास का पैगाम दे देना। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। अगर मुझसे कुछ काम है तो बताओ। मैं उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के लिए पैगाम लाया हूँ। उबैदुल्लाह मैं खुद हूँ। मैं शाम से हारिस का कासिद बन के आया हूँ। हारिस? हारिस ने आपके नाम पैगाम भेजा है। हाँ, हारिस का क्या हाल है? एक मुद्दत से उन्हें नहीं देखा है। ठीक नहीं है, मौला अली के फिराक में रोते रहते हैं। सब रो रहे और वो सबसे ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं। वो अली के बावफा दोस्तों में से हैं, उन्हें इश्क अली था।
اسی طرح ان کی اولاد بھی عاشق علی ہے. تم نے کہا پیغام لائے ہو. اجازت دیجئے میں تنہائی میں آپ کو بتاؤں گا. آؤ میرے ساتھ. یہ لو تمہارا. آؤ. امیر امراض نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ عبید اللہ کے بعد قیس ابن سعد نے بھی حسن ابن علی کی بیعت کر لی ہے. یا امیر علی نے اس کو عراقی لشکر کا سپہسالار بنایا تھا. اس نے کہا یہ بھی عرض کر دوں کہ قیس نے نعرہ لگا کے کہا کہ دشمنہ نے کتاب خدا اور سنت رسول اور منافقین سے جنگ کے لیے آپ کی بیعت کرتا ہوں، مگر حسن ابن علی نے کہا کتاب خدا اور سنت رسول کی پیروی کافی ہے اور ہر چیز ان دو میں موجود ہے. اس کے بعد قیس نے گرم جوشی سے بیعت کر لی. عمر سے کہو اس کے بعد وہ مجھے لکھا کرے. امیر ڈرتا ہے کہیں کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے. وہ مجھے لکھا کرے. اطاعت. عمر نے کہا یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے گروہ نے ابا محمد کی بیعت میں جلدی کی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو علی کے دشمن تھے. خوارج. ہاں خوارج اور بزرگان گروہ کی شکل میں حسن ابن علی کے پاس آئے، وہ سب شام کے ساتھ جنگ چاہتے تھے. اور پھر عمر آس نے شم اشعس اور ابن عمیر کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو حسن ابن علی کی بیعت سے روکا، مگر وہ نہیں مانے اور کہا ہماری حسن ابن علی کی بیعت کے لیے صرف ایک شرط تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ شام کے ساتھ جنگ کی جائے. شام کے ساتھ جنگ اور حسن ابن علی نے قبول کیا. اور عمر آس نے کہا یہ بھی بتا دوں کہ پھر حسن ابن علی نے ان سے کہا نہیں بلکہ مکمل اطاعت اور پیروی ہونی چاہیے، چاہے جنگ ہو کہ امن. اور ہاں ایک اور بات، اور وہ یہ کہ دمشق پہنچنے سے پہلے بعد ظہر تین لوگوں نے مجھ پہ حملہ کیا تاکہ اس پیغام کے بارے میں جان سکیں جو میں لا رہا تھا. تو بتایا تم نے؟ نہیں امیر، اگر وہ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے تو بھی میں زبان نہیں کھلتا. اور ہاں ایک اور پیغام، امریاس نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریاس کو دیکھا کہاں؟ اس کے آدمی مجھے اس کے پاس لے گئے تھے، وہ شام کے راستے میں ہے، بہت جلد یہاں پہنچنے والا ہے. امریاس اے مکار اور بے دین لومڑی صفت، پھر سے جان بچا لے گیا. کیسے اچھے وقت پہ آ رہا ہے، ایسا وقت کہ میں کبھی اس کا اتنا ضرورت مند نہیں تھا. ہاں کہا پیغام لائے ہو؟ ہاں امیر، اس نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ سب کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن نہ کر دوں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا. امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے فرزند ارجمن حسن ابن علی نے امور مسلمین کی باغ ڈور سنبھالی. امام نے مسند خلافت کو اس وقت سنبھالا کہ اس سے پہلے کوئی ان حالات سے دوچار نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ عالم اسلام کو حکومت شام کی جانب سے بہت بڑا خطرہ لاحق تھا، جس کی حکومت کی بنیاد جھوٹ ظلم اور مکاری پر استوار تھی. حکومت شام کو استحکام مل چکا تھا اور اس کا فتنہ و فساد ہر جگہ پھیل رہا تھا. ضعیف ایمان، سیاہ دل اور مردہ ضمیر لوگ اور دین و عقیدے میں کمزور افراد اس کے دھوکے میں آ کر اس کے گروہ میں داخل ہو رہے تھے. جھوٹ اور فساد کا مرکز وسیع تر اور قوی سے قوی تر ہو رہا تھا. بہرحال جس دن کوفے نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کی، وہاں موجود تمام لوگوں میں اتفاق رائے پایا گیا جس کی مثال اس سے پہلے نظر نہیں آتی. وہ ممبر خلافت جو اپنے مولا و آقا کے دنیا سے رحلت ہو جانے پر غم زدہ تھا، اب وہ خوش نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ اپنی آغوش میں انبیاء کی وراثت کے مظہر کو دیکھ رہا تھا. اس زمانے میں حسن ابن علی علیہ السلام سے زیادہ کوئی عابد و زاہد نظر نہیں آتا تھا جس میں تمام نیک خصلتیں جمع ہوں.
یہی وجہ ہے کہ فقط انہی کی شخصیت تھی جن پر مختلف آراء اور نظریات رکھنے والے اپنی رضا و رغبت سے تسلیم ہوئے، اور قیادت کی تمام صفات آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ بہت سے افراد خود پرستی اور مفاد پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ بن چکی تھی، اور امام حسن علیہ السلام جن کا اخلاق پیغمبر کے عادات و اطوار اور صفات کی یاد تازہ کرتا تھا، یہ افراد ان کی بیعت کر کے اپنے گھناؤنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے امام کے اخلاق اور نیک عادتوں کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ دیکھو کیا فوج ہے، کیا جاہ و حشم ہے، یہی تو وہ فوج ہے جس نے افواج مصر کو غارت کر دیا۔ خبر آئی ہے کہ مصر کو غارت کر دیا ہے۔ پھر سے یہ مکار بڈھا اپنے علاقے میں دکھائی دینے لگا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ پھر کبھی اس بڈھے کو نہ دیکھوں گا۔ چلو امیر المومنین پر۔ سلام ہو سردار فاتح اور ہمارے ہمیشہ کے یار پر۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے امیر المومنین کہہ کے اپنے دل میں ہنس رہے ہوں گے۔
सच बताओ पिसर है वो सुफियान, क्या तुम नहीं हंस रहे थे? ए लोमड़ी सिफत, मेरी आरजू थी कि खवारिज की एक तलवार से तुम अपने अजदाद से जा मिलते। ताज्जुब है, मेरी भी तुम्हारे लिए बिल्कुल यही आरजू थी। सर अबू सुफियान सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है। यजीद तुम्हारी शायरी कैसी चल रही है? आजकल मैं शिकार कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुमने शिकार शुरू कर दिया है? अलबत्ता शिकार और शायरी में भी अजीब रब्ता पाया जाता है। शिकार की खाल को शायर लिखने के लिए इस्तेमाल करता है और उसके गोश्त से हम जैसे फकीरों का पेट भरता है। भारी जैसे मक्कार से ताज्जुब है कि मेरे बेटे का मजाक ना उड़ाओ। कल को अगर वो मेरी जगह आ जाए तो तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देगा। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, इसलिए कि मैं इस नौजवान शायर में हुक्मरानी के कोई आसार नहीं देखता। तेरे मुंह में खाक हो बदबख्त। मैं मुतमईन हूँ कि तुम भी ऐसा ही सोचते हो। अजीब है। उस हमलावर की वार से तुम कैसे बच गए? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बचे हो। अब कुछ देर आराम कर लो और फिर दरबार आ जाना, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुमको हमेशा मेरी जरूरत रहेगी। कहाँ है वो? आप बैठो, अभी आता हूँ। शेमर, अमर और हजार तुमसे मिलने आए हैं। कहाँ? उधर साय में बैठे हैं। हाँ, कैसे आना? तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तुमने हसन इब्ने अली की बयात से मुतालिक शर्तें सुन ली, जंग और गैर जंग में पैरवी, क्या ख्याल है तुम्हारा? उस शर्त पे कि हसन इब्ने अली माविया से जंग करे, बस। हसन के हाथ बयात? लेकिन तुमने तो उनके बाप से जंग की है। हमने माविया से भी जंग की है। हसन ना अली है और ना माविया जैसे। धोखा ना दो शेमर, हसन वही हैं जो अली थे। उनसे तुम्हारी दुश्मनी उनके बाप की दुश्मनी से कम नहीं है। हमारी माविया से दुश्मनी उससे 100 गुना ज्यादा है। जानता हूँ तुम्हारी मुआविया के साथ दुश्मनी है, लेकिन मुआविया के पास दौलत के अलावा सरदारी की भी ताकत है। इराक वाले माविया की सरदारी को नहीं मानेंगे। वो माने या न माने, मुआविया तख्ते सल्तनत पर है और बाकी रहेगा। शायद वो शाम में हो न कि इराक में। उसकी सरदारी शाम, यमन, मिस्र और जजीरे तक है। अशस नहीं सुना अशस ने क्या कहा? मुआविया उस वक्त यहाँ कदम रख सकता है कि जब हम यहाँ न हो। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। बताता हूँ मुआविया के कुत्तों। मेहमानों का कत्ल? शेमर, हम यहाँ मशवरे के लिए आए हैं, ना झगड़ा करने के लिए। हम पर तलवार उठा रहे हो? आ जाओ शेमर। सुनो अम्र, बनू उमैया को इराक की सरदारी नसीब नहीं होगी, यहाँ तक के वो अली के शियों को भी अपने साथ मिला ले। तुमसे कोई बात नहीं करनी अम्र, चलो चलते हैं। हजार, मेरी बात सुनो। नहीं, तुम सुनो। ये तुम ही थे कि सिफीन में खुफिया तौर पर मुआविया के हाथों बयात की, और जब कुरान नेज़ों पर उठाया गया तो लोगों को फर्जंद अबू तालिब के खिलाफ भड़काया। ये सच है, तुम ही लोगों ने तलवार इब्ने मुलजिम के हाथों में दी।
खुदा की कसम अगर तुम धोखेबाजी करोगे तो हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो कसाब ऊँटों के साथ करते हैं। अब जाओ और इस अहमक के कान में कह दो कि कजरवी इख्तियार ना करे। तुम मेरी बात सुनो, मैं 10,000 बहादुर जंगजू और इनसे भी खूंखार अफराद को अपने झंडे तले जमा करूंगा और फिर हम सब हसन इब्ने अली के साथ मिलके तुम्हें और हिंदा की औलाद को नीस्त नाबूद कर डालेंगे। आगे चलो घर चलते हैं। हमें अबू सुफियान के बेटे को खत लिखना चाहिए। लिखना चाहिए कि अगर तख्त व ताज चाहिए तो हाथ पे हाथ रख के ना बैठे। चलो चलते हैं। हमें होशियार रहना चाहिए। उधर सुनो क्या कह रहे हैं। सुनो जमात, शाम से खबर आई है कि माविया लश्कर जमा कर रहा है और फितना बरपा करने का कस्द रखता है, और यह भी खबर है कि अमरे आस मिस्री सिपाहियों समेत उससे मिल गया है। तुम लोग अबा मोहम्मद के कासिद अपने कबीले के सरदारों तक यह खबर पहुंचा दो और साथ में ये हसन इब्ने अली के खत ले जाएं और कहना फर्जंदे रसूल खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं। जाओ, खुदा हाफिज। अब जाएं। चलो चलते हैं। सुनो शिमर, मुआविया ने लश्कर तैयार कर लिया है और अमराज भी उससे मिल गया है और हसन इब्ने अली ने भी अपने कासिद हर जगह रवाना कर दिए हैं और वो भी जंग की तैयारी के लिए फौज जमा कर रहे हैं। चलो अच्छा है, अब मोहम्मद जंग की तैयारी शुरू कर दी है। सुनो शिमर, अमराज जिंदा है और मुआविया से मिल गया है। लगता है वो अहमक भी अपनी मामूरियत अंजाम नहीं दे पाया। अच्छा है, मैंने भी अहद किया है कि सुफियान और आस के बेटों को मैं अपने इन्हीं हाथों से दो टुकड़े कर दूं। अगर वक्त आ गया तो मैं अली की तरह उसकी शर्मगाह को देख के शर्माऊंगा नहीं, चाहे वो हजारों कुरान नैजों पे लाएं और उसके तमाम अजदाद मेरे सामने नंगे होके नाचें।
खुदा की कसम मैं सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। मुझे इस बात पर तअज्जुब है कि जब किसी को अमरे आस के बारे में खबर नहीं है तो अबा मोहम्मद कैसे और इतनी जल्दी सबसे पहले शाम के हालात से बाखबर हो गए और फौरन अपने नुमाइंदों को कूफे के तरफ भेज दिया। अच्छा है, ये जवान मुझे पसंद है। मैं पहले से कहता था कि ये न अली है और न माविया जैसा, इसका साथ दिया जा सकता है।